सबसे पहले शो के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि तुम ही हो, हमने देखा प्रोमो बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्लीज बताइए कहानी किस बारे में। क्योंकि तुम ही हो कहानी है काव्या शर्मा की जो प्रियंका धावले प्ले कर रही हैं। काव्या शर्मा एक टायर टू सिटी बोलेंगे या छोटे शहर बोलेंगे, ग्वालियर टाइप शहर से वो बिलोंग करती हैं और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और उसकी बहुत बड़े बड़े सपने हैं उसके, और सपनों को पूरा करने के लिए उसे लगता नहीं कि सपने पूरे होंगे, लेकिन जब वो सपने पूरे होते हैं तो उसके साथ बैगेज फुल ऑफ नेगेटिविटीज बोलें या फिर चैलेंजेस ऑफ लाइफ, डिफ़िकल्टीज इतनी ज़्यादा आती हैं कि जब भी उसने सपने में भी सोचा नहीं था, एक्चुअली वो सपने काइंड ऑफ नाइटमेयर में टर्न हो जाते हैं और कुदरत उसके सामने ऐसे ऐसे चैलेंजेस थ्रो करती हैं कि अगर तुम्हारा ये सपना तुम्हें पूरा करना है तो तुम्हें ये चैलेंज पूरा करना पड़ेगा, और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में कि वो पूरा, उसे वो चैलेंज लेना ही पड़ता है और वहाँ से उसकी लाइफ रूइन होना शुरू होती है। So it is the dream that turns into nightmare kind of a story, and it's a beautiful, a tough journey of Kavya Sharma. Emotions are bhari hui. That's the kyunki tum hi ho is about two boys and one girl. So wo Kavya ka tum hi ho kaun hai, wo bhi ek bada sawal hai. Kavya aapse janna chahenge aapke kirdaar ke bare mein, please bataiye kis tarike ka kirdaar hai aapka. काव्या शर्मा एक छोटे शहर की लड़की है, काफ़ी सिंपल है, सुलझी हुई है, उसके कोई बड़े सपने नहीं है, वो उसका सपना बड़े है सपने नहीं है अभी तो बड़े सपने हैं उसके, बाय द वे नो लाइक शी वांट्स टू गेट मैरिड टू सपनों का राजकुमार। हाँ, तो वो सपना बड़ा ही हुआ ना, राजकुमार हुआ ना, सपना हुआ ना, वो सपने बड़े ही हुए ना, बट नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बड़ा सपना नहीं। अरे वो आ गया तो सब आ गया लाइफ में। उसके लिए बड़ा सपना यही है कि वो उसके सपनों के राजकुमार को चाहती है, उसके साथ she wants to get married and wants to live। मतलब ऐसे बोलते हैं भगवान मुझे खाली 1,000 करोड़ दे दे। हाँ, बस, और कुछ मत दे, वो उसे मैं सब ले लूंगी। ये वैसे वाली बात है। तो या कैरेक्टर के बारे में, सो मैं आयुष्मान प्ले करता हूँ शो में, और आयुष्मान जो है वो यू नो हेड बॉय जिसे हम बोलते हैं, हर चीज़ में अच्छा होता है, जो शर्मा जी का बेटा सो वो है, बट उसका दिल जो है वो काव्या पे है और बचपन से दोस्ती है, एंड बट वो छोटे शहर का वो आशिक है जो थोड़ा शाय है कि मैं कैसे कहूँ तो कहीं ना ना कह दे, कहीं भाई ना बना ले। बट आई थिंक शो मेरे लिए इट्स यू नो एक ट्रायंगल लव स्टोरी है, और जो मुझे सबसे खास बात लगी वो ये है कि यू नो आजकल चाहे आप फिल्में देखो या अपनी मॉडर्न लाइफ, हमने डेवलपमेंट बहुत कर ली है, अब ऑफ कोर्स हम यू नो पैसे वैसे ज़्यादा कमाते हैं, बट आई थिंक वो जो क्लासिक लव स्टोरीज होती थी ना वो कहीं मिसिंग छूट गया है, और उसमें भी क्या बात करें, अगर आप न्यूज़ में देखें इतने इंसिडेंट आते हैं, इसने इसको मार दिया, काट दिया, क्या क्या, सो आई थिंक आर स्टोरी इज सो प्योर इन दैट, क्योंकि कोई ऐसे छोटा मोटा यू नो इन्फैचुएशन नहीं है, क्रश नहीं है, बचपन की दोस्ती है, और एंड देन ऑफ कोर्स जो काव्या का भी जो प्यार है वो भी टोटली एब्सोल्यूट है कि यू नो मतलब जैसे कि बोला बस एक ही चीज़ चाहिए राजकुमार, एंड करण सर का भी वही है, बट आई थिंक तो वो इसलिए इट इज़ जो आपको प्रोमो में लगा, जो आप जो फील है, जो हमारा गाना है, जो हमारा टाइटल है, तो आई थिंक इट इज दैट क्लासिक लव स्टोरी। वेल आपसे जानना चाहेंगे आपके राजकुमार कौन है, सभी जानना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में। सपनों का राजकुमार इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बट आर यू श्योर? नॉट श्योर। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सवाल कि है कौन, है कौन, और भी क्या कुछ अलग देखने मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है बहुत सी ऐसी कहानियां जहां लव ट्रायंगल दिखते हैं, जहां कहीं ना कहीं दिखता है कि लाइक सपना है लेकिन कहीं ना कहीं किसे चुना, लाइक एग्जैक्टली हमारा द सेइंग गोज ना कि ऑलवेज थिंक बिफोर यू आस्क, यू माइट जस्ट गेट इट, यू अंडरस्टैंड, तो व्हाट यू आस्क फॉर माइट नॉट बी गुड और माइट बी गुड, यू नेवर नो, सो इट्स काइंड ऑफ दैट। सर ये आपके प्रोडक्शन हाउस से ये शो है, तो कितना मतलब
प्रोडक्शन के द्वारा शो आ रहा है, तो बताना चाहिए कितनी तैयारी की आपने? तैयारी तो बिल्कुल होती है इसमें, जब से हमारे पास ये आइडिया आया है उसको डेवलप करना कॉन्सेप्ट लेवल पे, जो लॉग लाइन होती है उसको उसके उसको ट्रू रहकर एक कॉन्सेप्ट तैयार करना, फिर चैनल्स से बात करना और चैनल को अप्रूव होना, उसके बाद फिर कहानी पे काम होता है और बहुत सारी तैयारी, फिर प्रोडक्शन का काम होता है। तो एंड एज ए एक्टर व्हेन चैनल टोल्ड मी दैट वन ऑफ द कैरेक्टर्स दे वांट मी टू प्ले, सो वो एक पहले तो मुझे लगा कि मैं, मेरा पहला प्रोडक्शन है विद माई, आई हैव अ पार्टनर, वेरी गुड पार्टनर सोहेल जैदी जो मेरे पार्टनर है इसमें, ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ प्रोडक्शन, ही इज बीन अ प्रोड्यूसर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई थिंक वो थे। लेकिन फिर भी एक क्रिएटिव फाइनेंसिस, वो सब काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें जो देखनी पड़ती हैं, सो वो एक अलग ही किस्म का एक रोल है फॉर एन एक्टर व्हेन ही बिकम्स अ प्रोड्यूसर, एक अलग होता है वो, एक पूरा अलग कंपनी को खड़ा करना और उस पर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फाइनेंसेस एंड प्रोडक्शन, क्रिएटिविटी, चैनल के साथ गिव एंड टेक होता है बहुत सारा, तो एक सब डिफरेंट थिंग। और ऊपर से मुझे लगा कि आई विल बी सो बिजी एज अ प्रोड्यूसर, आई डोंट वांट टू एक्ट इन माय ओन शो, बट व्हेन चैनल इंसिस्टेड के दिस रोल सूट्स यू एंड यू कैन प्ले दिस, देन एंड दे वॉन्टेड मी टू प्ले दिस, सो आई हैड टू डू इट, मुझे मतलब मुझे ये रोल लेना पड़ा। तो आई एम हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस बिकॉज ऑफकोर्स इट्स माई ओन शो, सो एक साथ मैं दोनों काम कर रहा हूँ एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन एक्टर, एंड आई एम हैप्पी, आई एम काइंड ऑफ मोर। ऐसी कौन सी बात है जो आप एक्टर होकर पहले मतलब जो नहीं जानते थे, प्रोड्यूसर होकर मतलब हाँ भाई इतना कुछ करना पड़ता है, मतलब अभी आप तो दोनों तरफ जानना शुरू हो गए, मतलब एक शो को बनाने के लिए। देखिए बीइंग अ प्रोड्यूसर एक अलग ही उसमें काम होता है, एक्टर बहुत सुखी होता है, एक्टर आता है 9 बजे और 9 बजे चला जाता है, उसको किसी बात की परवाह नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर 24 घंटे काम करता है, 12 घंटे नहीं करता, उसको हर चीज़ हर डिपार्टमेंट में ध्यान देना पड़ता है, यू नो बजटिंग होता है उसका, क्रिएटिविटी होती है, लोकेशंस होते हैं, टाइमली डिलीवरीज होती हैं डेली सोप्स में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सेट बनता है वो कैसे बनता है, चैनल से मिलना, बात करना, अप्रूव करवाना चीज़ों को, तो बहुत सारा काम होता है और डेली के चैलेंज अलग होते हैं, यू नो कन्विंस करना कितना आपको वो हुआ, मतलब आपने जब अपना प्रोजेक्ट चैनल के पास गए कन्विंस कितना किया आपने, मतलब कन्विंस करना मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट। अभी 25 साल के बाद कहाँ टफ होगा सर के लिए, ठीक है 25 इतने साल बाद भी कन्विंस तो करना ही पड़ता है। पहले तो ये कन्विंस करना पड़ता है कि एक्टर प्रोड्यूस कर सकता है, पहले कन्विंस ये करना पड़ता है कि प्रोड्यूसर टीवी का अलग होता है और एक्टर अलग होता है, हर एक्टर शायद प्रोडक्शन ना समझे, तो ये चैनल को समझाना कि ये मुझे आता है, मेरे साथ सोहेल है और मैं हूँ, हम दोनों उसका ये वो ये एक्सपर्ट है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, हम दोनों की टीम है, तो ये टीम एकदम सॉलिड है एंड वी कैन फुलफिल व्हाट यू नीड, तो ये कन्विंस करना और उनका कन्विंस होना और फिर हमको देना, ये एक बहुत ही अलग होता है, हर एक चैनल के साथ माइट बी डिफरेंट आई थिंक, बट यहाँ पर टच वुड इट ऑल सेल स्मूथ। ओके आपके कलीग भी सर ही है मतलब और प्रोड्यूसर भी, तो मतलब ऐसा रहता है कि वाला अरे कुछ आप समझ रहे हैं नहीं नहीं बड़ा डीजे बता गया ठीक से बता एकदम क्लियर बता खुल के बता ठीक है मतलब होता ना मतलब बॉस खड़ा है समझ लीजिए एक्चुअली क्या है मैंने अपने पहले शो में ये कर रखा है सो भूपेंद्र सिंह जो थे वो भी एक एक्टर हैं और यू नो मैं पहले शो में किया था तो सर तो यू नो तब भी बड़े बहुत ही लीनियंट हैं और यू नो ज़्यादा प्रेशर नहीं होता वो नहीं होता तो मैं तो पंजाबी प्रोड्यूसर के साथ काम किया है तो तो ये तब भी काफ़ी इजी है बट आई थिंक एक तरीके से अच्छा भी है ना क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एज एन एक्टर कुछ अगर बोलें सपोज आप कोई सीन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अगर सिर्फ एक प्रोड्यूसर है तो हो सकता है वो यू नो उसको एक्चुअली नहीं पता होगा कि आपका काम जब आप करते हैं तो क्या लगता है एक सीन में क्या लगता है यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि सर ने यू नो कोई ना कोई इनपुट दिए या मुझे या काव्या को और वो एज एन एक्टर दिए क्योंकि वो वहाँ हैं क्योंकि वो एग्जैक्टली बनाई हमने 5-6 महीनों से हम इस पर लगे हुए हैं तो डेफिनेटली आई न्यू इट मोर देन तो एग्जैक्टली उनको पता है कि ये क्या है अदरवाइज आप किसी प्रोड्यूसर से अगर बात करो जो सिर्फ पैसे लगा रहा है तो यू नो कोई भी आपको रेफरेंस दे देगा सनी देओल का सीन है ये इसका सीन है बट वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है सो आई थिंक वो एक प्लस है कि क्रिएटिवली
यू नो जैसे हॉलीवुड में होता है कि प्रोड्यूसर भी बहुत क्रिएटिवली अवेयर होता है, सो यहाँ पे वो प्लस है एक्चुअली। जब पता चला कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट करना है, क्या कुछ रिएक्शन था? और पहले कभी सोचा था कि ऐसा कोई किरदार निभाओगे? और प्रोमो के बाद भी कैसा रिएक्शन था सभी का, फ्रेंड्स एंड फैमिली? सो जब मैंने ये कहानी मुझे पता चली तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मैंने ये चैनल मीटिंग के टाइम पे भी सोहेल जी को कहा था कि इट्स नॉट टीवी टीवी वाला, मतलब वो स्टोरी ऐसी नहीं लग रही कि मतलब यू नो टिपिकल सास बहू, इट हैज लेयर्स। हाँ सास बहू, टिपिकल सास बहू नहीं, सास बहू बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो द कैरेक्टर्स, एवरी कैरेक्टर, नॉट जस्ट वी थ्री, और भी जितने भी कैरेक्टर्स, बहुत उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी अच्छा है। तो द ओवरऑल द स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी ना, आई हैड दिस फीलिंग कि मुझे ये शो करना है, एंड मॉकशूट भी इन्होंने ही लिया था मेरा। सो आई डिडंट नो इज अ प्रोड्यूसर, सो ये आए और मुझे बोला कि लाइन्स याद है, स्क्रिप्ट पता है, क्या होने वाला है सीन में? सो आई लाइक ओके, एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक, बिकॉज मुझे बोला गया था कि डायरेक्टर इज गोइंग टू टेक, एंड ही केम, प्रोडक्शन का नाम पता था। हाँ आई न्यू दिस इज न्यू प्रोडक्शन हाउस, बट एंड आई मेट सोहेल जी, so I didn't know he's co-producing it, so I didn't know, I was like they're the partners, yeah I didn't know this, so then उन्होंने बोला कि ready come inside, and I went and I had this thing, I knew him because I watched his previous show, Molki na, yeah Molki, so and I was a little very much nervous, but then for a moment I was like do or die situation, I have to give my 100% or else I won't get this part. तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे ब्रीफ दिया, एंड यू नो द ऑडिशन वेंट रियली वेल। उसके बाद आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन कि सर आप कोई शो नहीं कर रहे हो? तो ही वाज लाइक लिसन आई एम एक्टिंग आल्सो एंड आई एम प्रोड्यूसिंग आल्सो दिस शो, सो दैट वाज लाइक वाओ मोमेंट फॉर मी। बट रिएक्शंस फैमिली के पूछ रहे हैं, हां फैमिली के रिएक्शन, फ्रेंड्स के ऑन प्रोमो? शी माय फैमिली इज वेरी हैप्पी एंड आल्सो फ्रेंड्स, so they are very this ki kab aa raha hai show, kab aa raha hai movie, want to watch it, and my mom is to very excited because I'm working with him, so of course to party waati nahi mang rahe, she's like ki ha mihir I know I'm mihir, like yeah yeah. That's what about you? So see matlab jo maine pehle shows kiye hain wo bhi of course romantic the, but usme hamesha na kuch social angle hota tha, like mere pehle show mein aisa tha ki ladki kali hai, gareeb hai, ladka ameer hai, हो रहा है। सेकंड शो में ऐसा था कि लड़की जो है वो ऑर्फन है, उसको काम वाली बना रखा है, ये बाहर से पढ़ के आया है। सो मैं ये कहूँगा कि इट्स अ लिटिल बिट मोर रिलैक्सिंग टू डू अ लव स्टोरी वेयर इतनी सारी चीज़ें नहीं है, मतलब नॉर्मल, कोई ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर नहीं है, बट लव स्टोरीज तो यू नो मैं पहले से कर रहा हूँ, सो आई गेस वो फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये मुझे आता है, ये मैं करता हूँ और इसी पर मैं यू नो एक्सपर्ट बनना चाहूँगा। बट अदरवाइज ऑल्सो मेरे जो पहले शोज थे उसमें मैं कॉलेज वगैरह या ज़्यादा यंग परसेप्शन नहीं रहा है, मतलब ऑलवेज फर्स्ट शो था उसमें डॉक्टर था, ऑलरेडी काम कर रहा था, सेकेंड शो में भी ऑलरेडी काम कर रहा था, सूट वूट पहन के रहता था, तो अब मुझे भी थोड़ा यंग फील होता है, दैट यू नो आई एम वेयरिंग अ जैकेट, आई एम वेयरिंग नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज और समथिंग, सो आई गेस द फैंस या फैमिली या फ्रेंड्स देर लाइक कि तुम उल्टा जा रहे हो, तू पहले सूट वूट पहनता था, अब यू आर गेटिंग यंगर गोइंग बैक टू कॉलेज, सो आई थिंक दैट्स उनके लिए थोड़ा सा फ्रेश है, एंड आई ऑल्सो लाइक इट, क्योंकि आप सेम करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। प्रियंका आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि मम्मी ने कहा कि हम देखना चाहते हैं क्या कुछ होने वाला, लेकर 50-60-65 के जो ऑडियंस हमारी है उन सबको ये अपील करेगा, क्योंकि जो मेरी फैमिली है उसमें एल्डर्स हैं, उनके भी हम तीनों के रोल ऐसा नहीं है, उनके भी हमारे साथ ही पैरेलल में साथ में चलते हैं, उन एक एक पे जब मुसीबत आती है तो उसके साथ सारे इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं कि हम तीनों ही दिखेंगे, सारी फैमिलीज भी हैं जो एक एक पॉइंट पे एल्डर्स की कहानी भी बनती है, फिर हमारी भी होती है, कभी हमारी आगे चलती है तो हम वो पीछे होते हैं, कभी वो आगे होते हैं हम पीछे, तो ये साथ में मिलकर इट्स एवरी एज ग्रुप को हमने केटर किया इसमें, टीवी ऑडियंस इज ह्यूज, बहुत बढ़ गई है,
शहरों में हमारे बड़े बड़े बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में वो एक अलग यूथ है जो एक चीज़ देखता है. और जैसे ग्वालियर, अहमदाबाद, सूरत, ये जो टू टायर सिटीज़ हैं वहाँ पे एक अलग ग्रुप है जो ये शोज देखता है. तो हमने वो दिमाग में रख के ऐसा एक कॉन्टेंट बनाया है कि इट माइट अपील टू, वी जस्ट ट्राइंग दिस टू एवरीबडी. सो लेट्स होप वी सक्सेसफुल इन दैट, कि हर एज ग्रुप को कैटर करिए. मेरा सवाल एक्चुअली अमर जी आपसे है. जी, आपके सफर की शुरुआत क्यूकी से हुई थी और अब आप फिर क्यूकी पर पहुंच गए हो. कैसा था ये सफर एंड क्या फील हो रहा है? मेरी सफर की शुरुआत हुई देख भाई देख से, एक्चुअली 1993 से. और देख भाई देख के बाद फिर क्योंकि एक लैंडमार्क शो था मेरी लाइफ में और टीवी की लाइफ में भी, आई थिंक टीवी इंडस्ट्री में भी. एंड आई थिंक क्योंकि इसे क्योंकि जोड़ोगे आप तो मुझे आई डोंट जस्ट हैपन, इट्स अ कोइंसिडेंस. एंड द ऑल क्रेडिट गोज टू चैनल. एज ए प्रोड्यूसर जब हम नाम डिसाइड कर रहे थे तो 10-15 नाम मेरे पास थे जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे. तो उसमें से मैंने 5 फाइनल नाम उनको दिए थे कि इसमें से कुछ एक हो सकता है. उसमें 3rd नंबर पर क्योंकि तुम ही हो भी था. तो फॉर ऑब्वियस रीजंस हमारे जो बिजनेस हेड हैं सुभाष सोमानी जी, उन्होंने क्योंकि तुम ही हो सिलेक्ट कर लिया. तो मैंने पूछा ये क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि ये मत करो. मैं तो सब बोलेंगे क्योंकि था तो क्योंकि लगा दिया पहले प्रोडक्शन में अपने खुद के. तो नहीं बोला ये नाम बहुत सटीक है. मैं ऑफकोर्स सूट तो करता है क्योंकि ये टाइटल और स्टोरी के साथ बहुत मैच करता है. बाकी भी नाम मैच कर रहे थे बट फॉर ऑब्वियस रीजंस ही सिलेक्टेड दिस. सो दैट्स व्हाई ही इज अ बिजनेस हेड सुभाष सोमानी जी. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट क्योंकि हैपेंड एंड बट आई एम नॉट द रीजन फॉर दैट. आपका बाकी भी होंगे ना, मतलब जैसे कि पहले few channels थे और अभी कई सारे चैनल शुमार हो और कोई they're doing well also and they're providing opportunity. तो क्या कहना चाहोगे उसको लेके? Such a good to producers, you mean sir? Producers, actors, they're getting और इनकी reach काफी दूर दूर तक है. आप क्या कहते हो? Definitely Shimaru group, it's growing very fast. Shimaru TV आज हमने जब उनसे मिलना जुलना शुरू किया था तब तो उनकी GRP बहुत कम थी. अब तो वो 70 तक पहुंच गए हैं विच इज़ फैंटास्टिक. Shimaru उमंग ऑल्सो इज़ क्लाइंबिंग, जहाँ हमारा शो आ रहा है इज़ क्लाइंबिंग इन लाइक वे टू फास्ट एंड वेरी गुड शो इज़ कमिंग अप ऑन दैट चैनल. रश्मि जी का शो आ रहा है जो बहुत अच्छा कर रहा है मार्केट में. हमारा शो भी अलग है. तो अलग अलग वैरायटी के शो उस पर आ रहे हैं. एक राज महल भी उनका आ रहा है जो राज महल एक फैंटेसी के ऊपर है जो बहुत ही ब्यूटीफुली बना है. तो आई थिंक बहुत अच्छा एक होलसम पैकेज फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल बन के आ रहा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम ऑन दिस चैनल. और आई एम वेरी थैंकफुल टू संदीप गुप्ता जी जो CEO हैं, सुभाष सोमानी जी जिन्होंने मुझे मौका दिया है और टू प्रूव माई सेल्फ. एंड एज ए एक्टर तो बहुत काम किया है 30 सालों में बट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम as a producer I am entering in the industry and I'm really excited. This is my new journey in, for me in life, you know. So I'm thankful to them ke mujhe mauka diya hai. Aur always you know jab hum jab actor unke paas leke jate hain share karne ke liye hum koi inko lena hai to always they do agree ke naya talent koi mile to unko mauka diya jaye. So that's why you know Harsh also has done a lot of shows of course and she is absolutely doing the first Delhi soap I think as a lead. So thanks to them because they give the opportunity to them. So yeah, you're right. और लोगों के लिए भी ना, Pan India free है. So it's a free to air channel. So definitely it's. Thank you.